Good evening, everyone. I hope you all are doing great. So today's topic is रेशो एनालिसिस. तो पहले हम देखेंगे रेशो एनालिसिस होता क्या है. तो रेशो एनालिसिस जो है एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है जिसमें हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि कितना गेन हो रहा है, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कंडीशन क्या है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है. और ये सब कैसे पता चलता है, जब हम स्टडी करते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, उसकी इनकम स्टेटमेंट हो गई. अगर मैं बोलूँ तो रेशो एनालिसिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस. रेशो एनालिसिस को हम कंपेयर करते हैं लाइन आइटम डेटा को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और उसमें हम उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, लिक्विडिटी की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की और सॉल्वेंसी की. तो रेशो एनालिसिस जो है, रेशो एनालिसिस कैन मार्क हाउ ए कंपनी इज परफॉर्मिंग ओवर टाइम वाइल कंपेयरिंग अ कंपनी टू अनदर विद इन द सेम इंडस्ट्री और सेक्टर. जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, तो वो दोनों को भी कंपेयर करेगा कि टाटा स्टील का क्या है, टाटा मोटर्स का क्या है. तो दिस इज़ कॉल्ड टाटा स्टील को वो टाटा मोटर्स से कंपेयर कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो दोनों कंपनी का क्या निकाल रहा है, रेशो निकाल रहा है. सो वाइल रेशो ऑफर यूजफुल इंसाइट इन टू अ कंपनी, दे शुड बी पेड विथ अदर मेट्रिक्स सो ऑब्टेन अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. Investor and analyst employ ratio analysis to evaluate the financial health of a company by analyzing past and current financial statement. में दोनों को compare करते हैं और उससे उनको पता चलता है कि हाँ company का health कैसी है, financial health कैसी है. तो comparative data जो है can demonstrate how a company is performing over time and can be used to estimate likely future performance also. एंड अभी तो हमने देखा कि past में क्या था, ऐसे पता चलता है, present में क्या, फ्यूचर में क्या होगा. तो दिस डेटा कैन ऑल्सो कंपेयर ए कंपनीज फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टैंडिंग विद इंडस्ट्री एवरेज वाइल मेजरिंग हाउ अ कंपनी स्टक अप अगेंस्ट अदर विद इन द सेम सेक्टर. Investor can use ratio analysis easily and every figure needed to calculate the ratios is found on a company's financial statement. And जो investor होता है, अभी जैसे कि फॉर example अगर तुम invest करने जाओ तो पहले देखोगे कि उसका liquidity ratio क्या है, उसका profitability ratio क्या है, stock turnover क्या है. अगर अच्छा होगा तो क्या होता है, investor attract होता है और decision लेता है कि उसको यही company में invest करना है. अदरवाइज इफ रेशो इज नॉट शोइंग गुड देन इट्स अ साइन कि आपको उसमें नहीं करना है इन्वेस्ट. अब यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के फाइनेंशियल रेशो अवेलेबल होते हैं ब्रॉडली. अब वो कौन कौन से हैं हम डिटेल में एक एक करके पढ़ने वाले हैं. तो रेशो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हर जगह पे यूजफुल होता है, चाहे आप कोई भी कोर्स में ले लो. ये बीकॉम में भी है, फिर बीएमएस में भी है, बीबीआई में भी है, बैफ में भी है. इसीलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि ये जो है ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है रेशो एनालिसिस. काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे रेशो एनालिसिस मतलब इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, बट ऑनेस्टली उसकी भी कुछ प्रो टिप्स है जो मैं आपको दूँगी, उसके थ्रू आप ईजिली इसको रिमेंबर कर पाओगे. एग्ज़ाम टाइम में आप रिकलेक्ट कर पाओगे ईजिली. हमको इसको मगअप नहीं करना है, एक लॉजिकली इसको समझना है, प्रैक्टिकली इसको देखना है, और फिर हमको फॉर्मूले फॉर्म कैसे होते हैं वो हमको पता चलेगा. एंड ट्रस्ट मी दिस चैप्टर लाइक हाउ पीपल स्कैड यू वाइल सीइंग कि बहुत डिफ़िकल्ट है, एक्चुअल में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है. कुछ बच्चों को तो मैंने देखा है कि ऑप्शन में छोड़ देते हैं कि नहीं काफ़ी लेंदी, इसके फॉर्मूले याद नहीं होते. इतने भी डिफ़िकल्ट फॉर्मूले नहीं है, ट्रस्ट मी फॉर्मूले काफ़ी ईजी है, सिर्फ हमको उसको अंडरस्टैंड करने आना चाहिए. तो आई होप आपको समझा होगा कि रेशो क्या है ना, रेशो एनालिसिस क्या होता है. तो रेशो एनालिसिस मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. रेशो एनालिसिस जो है एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें हम चेक करते हैं कि कंपनी में क्या क्या गेन हो रहा है, कंपनी की लिक्विडिटी का इनसाइट क्या है, फिर उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और ये हम कैसे स्टडी करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट हो गया, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, वो सबका एनालिसिस करके. और मैंने जैसे बोला कि रेशो एनालिसिस जो है वो क्या होता है, एक कॉर्नर स्टोन है फंडामेंटल इक्विटी एनालिसिस का.
इसको कॉर्नर स्टोन जैसा माना जाता है ना. वाइल रेशियो ऑफर यूजफुल इंसाइट इन टू अ कंपनी एंड दे शुड बी पेयर्ड विथ अदर मैट्रिक्स टू ऑब्टेन अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. तो इसके हेल्प से, रेशियो एनालिसिस की हेल्प से, हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या फाइनेंशियल हेल्थ. तो रेशियो, आई होप सबको समझ में आया होगा कि रेशियो एनालिसिस क्या है. है ना, रेशियो एनालिसिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई? बिकॉज इट अट्रैक्ट द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर क्या करता है, उसकी वजह से अट्रैक्ट होता है अगर रेशियो एनालिसिस प्रॉपरली किया गया, एफिशिएंटली किया गया है तो. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ. मीनिंग है, अब मीनिंग क्या होता है, रेशो. यहाँ पे मीनिंग मैं रेशो को बता रही हूँ. तो रेशो यहाँ पे लिखा है, रेशो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. अकाउंटिंग रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग नंबर्स. तो एक्चुअली रेशो जो होता है वो रिलेशन बताता है दो नंबर्स के बीच में. तो मैंने वही लिखा है कि देर रेशो shows or indicate the relation between two numbers which shows how much bigger one quantity is than other. है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशो, ये क्या रिलेशनशिप बता रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, उसकी क्वान्टिटी आई मीन कितनी बड़ी है वो बताता है, उसकी क्वान्टिटी कितनी बड़ी है. जैसे कि द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास. तो इस 3:1, जैसे मैं बोलूं कि रेशो जो है बॉयज़ का गर्ल्स के साथ में वो क्लास में कितना है, 3:1 है. देर आर, दैट मीन्स देर आर 3 times एज मैनी बॉयज़ एज गर्ल्स. है ना, ये हो गया रेशो. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स. द रिलेशनशिप किसको बताता है, वो क्वान्टिटी में बताता है, या तो अमाउंट बताएगा, साइज बताएगा बिटवीन टू और मोर थिंग्स, प्रपोर्शन बताएगा, एक्सप्रेशन होगा को रिलेटिव वैल्यूज का, जैसे गोल्ड का सिल्वर के साथ में होगा. सो इन मैथमेटिक्स यू नो रेशियो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 8 oranges एंड 6 lemons इन अ बोल ऑफ फ्रूट, देन द रेशियो ऑफ oranges टू lemon इज 8:6. 8 क्या है वहाँ पे, मैंने क्या बोला कि 8 oranges है और 6 lemon है, तो उसका रेशो क्या हो गया, 8:6. ये क्या हो गया, उसका रेशो हो गया. इज दैट क्लियर? तो इसी तरह हमारे अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, उसके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि 10:5, तो क्या होगा इसका रेशो, क्या होगा 10:5 के बीच का, 2 होगा. इसको क्या बोलेंगे हम, रेशो 2. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. तो बहुत ही सिंपल है, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो जो है वो किसको बताता है, किसको शो करता है, दो वर्ड के और दो नंबर, नॉट वर्ड एग्जैक्टली, नंबर, दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को बताता है. जैसे कि एक नंबर दूसरे नंबर के, उसका क्वांटिटी कितना है, वो रेशो बताता है. जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि द रेशो ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं क्लास में, उनका रेशो क्या है. मैंने बोला कि 3 boys हैं और क्या है, suppose I said for example the ratio of boys to girls in the class is 3:1. तो 3 boys हैं एंड 1 girl है, ओके, vice versa, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पे ऐसे हम काफ़ी सारे रेशोज देखेंगे, जैसे कि करंट रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है. तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, कुछ बैलेंस शीट रेशो होते हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो होते हैं. तो विल स्टडी वन बाय वन. आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सबको कि रेशो क्या है. रेशो जो है वो इंडिकेट करता है, शो करता है रिलेशनशिप को दो नंबर्स के बीच की. अगर मैं अकाउंटिंग रेशो की बात करूँ तो अकाउंटिंग रेशो जो है वो रिलेशनशिप बताता है दो अकाउंटिंग नंबर्स के बीच में. जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 10 और 5, 10:5, तो इसका रेशो क्या होगा, तो ये दोनों के बीच का रेशो होगा 2, दोनों के बीच का. इसको 2:1 से डिनोट करूँगी, ओके, 2:1, उसको मैं डिनोट करूँगी 2:1 से.
So now we'll continue with the next टॉपिक. आगे हम बढ़ते हैं. इसका मीनिंग सबको समझ में आया है. वापस से मैं बताती हूँ रेशो का मतलब क्या है. रेशो जो है वो क्या बताता है, एक रिलेशनशिप को बताता है दो अकाउंटिंग नंबर्स के बीच में. उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशो, जो कि हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है, एग्ज़ाम में आने वाला है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी ईजी. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स देखने हैं वहाँ पे. हाँ, कितना है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को डिवाइड करना, दैट्स इट. हो गया. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है. इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला. फॉर्मूला बेस्ड है एंड फॉर्मूला बेस्ड थिंग्स आर वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल. जबकि जो फॉर्मेट्स होते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कॉम्प्लेक्स नेचर में होते हैं. बट आई फील कि जहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड इज वेरी वेरी ईजी. तो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम. नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स. सो देर आर थ्री डिफरेंट फॉर्म्स इन विच एन अकाउंटिंग रेशो कैन बी एक्सप्रेस. मतलब तीन टाइप है इसके जिसमें इसको एक्सप्रेस किया गया है. पहला वाला होता है प्योर रेशो. फर्स्ट टाइप क्या है? प्योर रेशो. अब प्योर रेशो क्या होते हैं? प्योर रेशो किसको बोला जाता है? ये फर्स्ट है जो हम अभी रीड करेंगे, लर्न करेंगे प्योर रेशो क्या होता है. तो व्हाट इज़ प्योर रेशो? ये प्योर रेशो इट्स अ सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर. ये क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन, फॉर एग्जांपल लाइक करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. इज एक्सप्रेस इन दिस वे, उसको हम प्योर रेशो बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे? प्योर रेशो बोलेंगे. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज़ प्योर रेशो? तो प्योर रेशो जो होता है एक सिंपल डिवीजन होता है एक नंबर का दूसरे के साथ में. तो ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल जैसे कि करंट एसेट का करंट लायबिलिटी के साथ में क्या रिलेशन है उसको बताता है. और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशो में. फॉर एग्जांपल अगर करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो डिवाइड करने के बाद उनका रेशो क्या आएगा? 2:1 आएगा. ओके, और इसको हम स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन करते हैं 2:2, दैट इज 2:1. तो इसको बोला जाएगा प्योर रेशो. तो रेशो एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस. रेशो शोज, मैंने पहले भी बोल बताया है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ. रेशो क्या शोज करता है? रेशो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. अकाउंटिंग रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर. तो रेशो एनालिसिस बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ, अब इसकी मैंने फॉर्म की बात की कि थ्री टाइप्स की होती है. पहले मैंने बोला प्योर रेशो. प्योर रेशो क्या? एक सिंपल डिवीजन होता है. प्योर रेशो इज़ अ सिंपल डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को, मतलब उसकी रिलेशनशिप बताएंगे तो उसको एक्सप्रेस करेंगे हम 2:1 में. तो उसको मैं कहूँगी कि ये प्योर रेशो है. उसके बाद में सेकेंड फॉर्म है इसका परसेंटेज. सो परसेंटेज में क्या होता है कि सर्टेन अकाउंटिंग रेशोज बिकम मोर मीनिंगफुल इफ़ यू एक्सप्रेस इन परसेंटेज. तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स इज एक्सप्रेस इन दिस वे. जो रिले है ना, अगर प्रॉफिट मतलब सेल्स होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ़ सेल्स आर 4 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 2 लाख, देन इट इज़ एक्सप्रेस एज अ ग्रॉस प्रॉफिट बींग 50% ऑफ सेल. है ना, अगर मैं बोलूँ कि 4 लाख जो है वो सेल्स हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, तो इसको मैं परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करूँगी? मैं परसेंटेज में बोलूँगी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50% है. किसका? सेल्स का. तो इसका ये क्या हो गया? ये जो हो गया एक मीनिंग हो गया कि हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट किसका है? सेल्स का है. तो सेल्स यहाँ पर क्या से हो गया? मीनिंगफुल हो गया कि अगर सेल्स नहीं होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अराइज नहीं होगा. ओके, तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज फॉर्म.
इज दैट क्लियर एवरी वन? आई होप सबको समझ में आया होगा कि कुछ रेशोज़ जो होते हैं वो मीनिंगफुल हो जाते हैं जब उनको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का, मैंने क्या बोला कि अगर ग्रॉस सेल्स 400,000 है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 200,000 है, तो मैं इसको इस तरह एक्सप्रेस करूँगी कि ग्रॉस प्रॉफिट इज वॉट बींग, ग्रॉस प्रॉफिट बींग 50% ऑफ सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 50% है किसका? सेल्स का, है ना. सेल्स का वो क्या है? 50% है. इज़ दैट क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा कि प्योर रेशो क्या है. तो प्योर रेशो सबको समझ में. अब नेक्स्ट है रेट. अब रेट क्या होता है? सो समटाइम्स रेशोज आर एक्सप्रेस एज रेट, दैट इज़ लाइक नंबर ऑफ टाइम्स ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही स्टॉक का और सेल्स का, जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? रेट में. तो फॉर एग्जांपल इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेट इज़ सेट टू बी 8 times इन अ ईयर, अगर बोला है कि स्टॉक टर्नओवर जो है वो कितना है? 8 times इन अ ईयर है. इट मीन्स दैट द स्टॉक इज़ कन्वर्टेड इन टू सेल्स 8 times इन 12 months. जो स्टॉक है वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है किस में? सेल्स में. कितनी बार होता है? 8 times होता है इन एंटायर ईयर, मतलब 12 months में. ओके, समथिंग, अब इसको मैं और सिंपल करके बताती हूँ कि समथिंग कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ टाइम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स में. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, बताया कि जो इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेट इज सेट टू बी 8 times इन अ ईयर, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक जो है वो कन्वर्ट होता है 8 times किस में? सेल्स में. और कितने मंथ्स में? 12 months में. ओके, तो तीन फॉर्म है. कौन कौन सी फॉर्म है रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है? प्योर रेशो में भी, परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, और रेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो दीज आर द 3 forms. ऐसे नहीं है कि उसको प्योर रेशो में ही एक्सप्रेस करना है, प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है. नो, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक. सो हमारा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है प्योर रेशो, जिसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी. प्योर रेशो क्या होता है? प्योर रेशो को ही हम सिंपल रेशो भी कहते हैं, प्रोपोर्शन रेशो भी कहते हैं. सो इसी के डिफरेंट डिफरेंट नेम है. प्योर रेशो इज़ बेसिकली अ डिविजन ऑफ वन नंबर विद द अदर एंड एक्सप्रेसिंग इन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिविजिबिलिटी. द नंबर्स आर रिलेटेड विद अ साइन दैट इज कोलन, जो दो बीच में दो डॉट है उसको कोलन बोला जाता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम इस2 से. फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल रेशो ऑफ करंट एसेट, यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया है 2 lakhs लिया है और करंट लाइबिलिटी 1 lakh है, अगर मैं दोनों को डिराइव करूँ डिवाइड करके तो इसका रेशो क्या हो जाएगा? 2:1. फिर मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर करंट एसेट सपोज 3 lakhs है, करंट लाइबिलिटी 1,50,000 है, तो इट विल बी लाइक 3 lakhs is to 1,50,000, दैट इज़ 2:1. वो उसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोवेस्ट फॉर्म है, है ना. इससे सिंपल, इससे सिंप्लीफाई वो हो ही नहीं सकता है. अब यहाँ पे 2:1 हो गया, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस वी फाइंड आउट द हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर इज इन कंपैरिजन टू अनदर नंबर. सो प्योर रेशो इज़ ऑल्सो नोन एज प्रपोर्शन रेशो और सिंपल रेशो. और ये बहुत ही सिंपल है कि दो जो नंबर्स हैं दोनों को डिवाइड किया जाता है और उनको एकदम सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है कि उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, अनडिविजिबल होते हैं वो. और दैट इज़ बट सिंपल फॉर्म होती है और लोवेस्ट फॉर्म होती है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 examples दिए, एक 2 lakh का दिया कि जिसमें करंट एसेट 2 lakh है और करंट लाइबिलिटी जो है वो 1 lakh है, उन दोनों को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 2:1 आता है, दैट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म. उसके बाद में मैंने एक और एग्जांपल लिया जहाँ पे मैंने बोला कि करंट एसेट जो है वो 3 lakhs है और करंट लाइबिलिटीज़ जो है 1,50,000 है, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो उसका सबसे सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म होगा 2:1. तो बेसिकली जो बीच में जो कोलन्स है उसको हम डिनोट करते हैं 2 से, उसको बोला जाता है 2:1. नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको परसेंटेज. अब ये परसेंटेज फॉर्म क्या होती है रेशो की?
परसेंटेज फॉर्म क्या होती है रेशो की, तो ये रेशो इज़ अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ऑफ वन वैल्यू टू अनदर. एग्जाम्पल द रेशो ऑफ गैस टू ऑयल इन चेन सॉ मिक्स. तो रेशो कैन बी रिटर्न आइदर एज अ फ्रैक्शन और इन इस टू में लिखा जाएगा या फिर मैं उसको परसेंटेज में लिखूँगी, है ना. परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज जो है इज़ अ अनदर वे, एक डिफरेंट वे है, दूसरा वे है जिसमें मैं डिस्क्राइब करूँगी रेशो को विथ रिस्पेक्ट टू और हंड्रेड, हंड्रेड के रिस्पेक्टिवली. तो परसेंटेज इज़ अ वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी आउट ऑफ ए हंड्रेड यू स्कोर्ड. एग्जाम में भी होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ 92 आउट ऑफ 100 फायर फाइटर्स हैव कम्प्लीटेड द फायर फाइटर मैथ कोर्स, सो द रेशो ऑफ फायर फाइटर्स कम्प्लीटिंग द कोर्स इज 92:100 एंड द परसेंटेज इज रिटर्न एज 92%. अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सर्टेन अकाउंटिंग रेशोज बिकम मोर मीनिंगफुल इफ़ एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. तो द रिलेशनशिप जो होता है, मतलब अगर मैं उसको, कुछ रेशोज ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करूँ तो वो क्या होते हैं, वो अकाउंटिंग रेशो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिया है बिटवीन प्रॉफिट और सेल्स का एग्जाम्पल लिया है. अब यहाँ पे मैंने बोला इफ़ सेल्स आर ₹4 lakh एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹2 lakh देन इट इज़ एक्सप्रेस एज ग्रॉस प्रॉफिट बींग 50% ऑफ सेल, है ना. मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है कि अगर सेल्स जो है वो 4 lakh है और ग्रॉस प्रॉफिट अगर 2 lakh है, इसका मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है, 50% है सेल्स का. तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, किसको हमने इम्पोर्टेंस दिया, थोड़ा चेंज हो गया ना, थोड़ा इम्पोर्टेंस मिल रहा है किसको, सेल्स को, क्योंकि सेल्स का 50% है. इट मीन्स अगर सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा. तो ये मीनिंग जो है उसको एनहांस कर रहा है, किसके मीनिंग को, तो ये किसको इंक्रीज कर रहा है, किसके मीनिंग को, सेल्स के मीनिंग को, कि अगर सेल्स होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, सेल्स ही नहीं होगा तो प्रॉफिट ही नहीं होगा. ओके. अब जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम होता है उसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि हाँ कितना परसेंटेज मिला, कितना मिला है, तो हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स होते हैं जो भी, उसको डिवाइड करते हैं जितना हमने स्कोर किया है उससे, फिर हमको पता चलता है कि हाँ मेरे को इतना आया है, है ना. चल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट. अब हमारा नेक्स्ट है लास्ट फॉर्म रेट. तो समटाइम रेट्स आर एक्सप्रेस एज रेशोज आर एक्सप्रेस एज रेट्स, है ना. ना तो उसको प्योर में किया जाता है ना परसेंटेज में, किस में किया जाता है, रेट्स में किया जाता है. दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम. रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम में ओवर अ सर्टन पीरियड. तो रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स इज एक्सप्रेस इन दिस वे, उनको इसमें किया जाता है. अब कैसे किया जाता है, जैसे कि बोला जाएगा इफ़ स्टॉक टर्नओवर रेट इज सेट टू बी 8 times इन अ ईयर, इट मीन्स दैट द स्टॉक इज कन्वर्टेड इन टू सेल्स 8 times इन 12 months, है ना. 8 times क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, किस में, सेल्स में कन्वर्ट होता है. तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रेट रेशो. ये रेट का एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, ये रेट रेशो का जो है ये फॉर्म होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, रेट रेशोज जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं रिस्क रेशो के, बट दे आर कंप्यूटेड एज द रेशो ऑफ द इंसिडेंस रेट इन एन एक्सपोज ग्रुप डिराइव टू बाई इंसिडेंस रेट इन एन अनएक्स एक्सपोज ग्रुप. तो मैंने वहाँ यहाँ पर यही बताया कि कभी कभी क्या होता है कि रेशोज़ को हम ना तो प्योर के फॉर्म में, प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ना ही परसेंटेज के फॉर्म में. समटाइम्स यू वॉन्ट कि उसको हम क्या करें, रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें. रेट मतलब नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस करें. तो यहाँ पर मैंने वही एग्जाम्पल लिया कि जब, तो मैंने यहाँ पे लिया है कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूँ कि स्टॉक टर्नओवर रेट इज सेट टू बी 8 times इन अ ईयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टॉक जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है सेल्स में, कितने टाइम किया जा रहा है, 8 times किया जा रहा है. कब किया जा रहा है, इन अ मंथ और आई मीन 12 months. ओके.
अब देखो यहाँ पे चैट के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम में रेशियो एनालिसिस टाइप। तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है इसकी, कि कुछ रेशियोज जो होते हैं लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, कुछ जो होते हैं सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, कुछ टर्नओवर रेशियो होते हैं, कुछ अर्निंग रेशियो होते हैं। तो पहले हम आते हैं लिक्विडिटी रेशो, इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी जस्ट ब्रीफली इसे क्विकली इसको देखते हैं। तो पहला है लिक्विडिटी रेशो में आ जाता है करंट रेशो एंड क्विक रेशो। सेकेंड कैटेगरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, तो उसमें वो किससे रिलेटेड होगा, फर्स्ट वाला जो लिक्विडिटी से रिलेटेड होगा, जो इजीली कैश में कन्वर्ट होता है वो। उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड होगा, मतलब प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, फिर नेट प्रॉफिट रेशो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सब किस में आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आ जाएगा। उसके बाद में सॉल्वेंसी रेशो, तो सॉल्वेंसी रिलेटेड टू डेप्थ एंड इक्विटी होगा और इंटरेस्ट होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा डेप्थ इक्विटी रेशो, उसके बाद में आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, देन नेक्स्ट वन इज टर्न ओवर रेशो। तो टर्न ओवर इट रिलेटेड टू लाइक अ टर्न ओवर ईयरली, उससे रिलेटेड होगा। तो इसमें पहले आएगा फिक्स एसेट टर्न ओवर रेशो, देन सेकेंड होगा इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, और थर्ड होगा रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो। फिर लास्ट टाइप आ जाता है अर्निंग रेशो। तो अर्निंग रेशो प्रॉफिट अर्निंग रेशो है और अर्निंग पर शेयर है, इसके दो ही है, इसमें दो ही आते हैं बस, प्रॉफिट अर्निंग रेशो एंड अर्निंग पर शेयर रेशो। ओके, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा किया तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इट्स बेटर जितना किया है इसको अच्छे से देखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट पिंग मी ऑन गिवन ईमेल आईडी और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप एनीथिंग। तो सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। I hope you like this video. If you like this video, please comment below, share and do subscribe. And don't forget to press the bell icon, because you will not get the notification if you will not press the bell icon. So to stay tuned with the new video, so please press the bell icon. See you soon with the new video. Thank you very much for watching my video. Thank you for your love and concern. Stay blessed, everyone. Thank you. Thank you.